आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में आखिरी टी20 वर्ल्ड कप खेल रही भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। टीम ने अपने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले दोनों मुकाबलों में करारी हार का सामना किया। हालांकि उसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की है। पहले उन्होंने अपने तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 66 रनों से एक भारी अंतर से हराया और उसके बाद शुक्रवार को खेले गए स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में 8 विकेट से एक बड़ी जीत हासिल करके सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप के बाद टी20 क्रिकेट की कप्तानी भी छोड़ देंगे। खैर, इस मुकाबले के बाद में स्कॉटलैंड की कप्तान का एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन आया है। भारत से मिली हार के बाद ऐसा क्या बोल गए भारत के बारे में कि सुनकर रह गया हर कोई हैरान। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने मैच के बाद किया एक ऐसा खुलासा जो हर किसी को हैरान कर गया। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, स्कॉटलैंड के कप्तान ने क्या खुलासा किया है, क्या कहा है रविंद्र जडेजा ने, ये जानने से पहले आइए जानते इस मैच में हुआ क्या है और टीम इंडिया की पॉइंट टेबल में अब हालात यहाँ पर कैसे बनते हैं। खैर, विराट कोहली के बर्थडे के मौके पर जब टीम इंडिया के स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में उतरी तो आज सब कुछ बर्थडे बॉय विराट कोहली के हक में गया। सबसे पहले तो उन्होंने टॉस जीता, टूर्नामेंट में पहली बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम को केवल 85 रनों पर ही ढेर कर दिया। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। जवाब में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो उन्हें ग्रुप के सभी टीमों से अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए 86 रनों के विशाल लक्ष्य को 8वें ओवर की पहली गेंद पर पूरा करना था। दोनों टीमों ने ओपनर ने इसकी जिम्मेदारी ली और ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए 5 ओवर में पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़ दिए। रोहित ने 30 बनाए तो केएल राहुल ने 18 गेंदों पर इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक जमा दिया। चरमनाकार के बाद स्कॉटलैंड के कप्तान का एक चौंकाने वाला बयान आया है। ये जाने से पहले आइए जानते हैं रविंद्र जडेजा ने क्या कहा। खैर, मैच में क्या हुआ ये तो हमने जान लिया है और अब ये जानने से पहले कि कप्तानों ने क्या कहा है, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं पॉइंट टेबल में टीम इंडिया के लिए यहाँ से क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। टीम इंडिया के लिए एकमात्र और आखिरी उम्मीद यहाँ से अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला है। अगर न्यूजीलैंड किसी भी हालात में हार जाए यान कैन पर कारण कोई रन रेट का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मार्जिन यहाँ पे नहीं चाहिए, बस एक बात चाहिए अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और अगर ऐसा हुआ तो फिर टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह तय मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भले ही भारत के पास कितनी अच्छी नेट रन रेट क्यों ना हो लेकिन भारत बाहर हो जाएगा। खैर, आइए जानते हैं चौंकाने वाले खुलासे के बारे में। रविंद्र जडेजा ने क्या कहा और उसके बाद जानेंगे कप्तान ने क्या कहा स्कॉटलैंड के। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जडेजा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अच्छे क्षेत्रों में गेंदबाजी करना चाह रहे थे। स्पिनर या तेज गेंदबाज के रूप में सही क्षेत्रों में गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण था, इसीलिए हम अच्छे क्षेत्रों में गेंदबाजी कर रहे थे। भूमिका वही थी कि बीच के ओवरों में विकेट लेने के लिए देखो, जब भी मौका मिले गेंदबाजी करो। जैसे मैं गेंदबाजी करता था योजना सरल थी, एक सरल बुनियादी योजना थी। जडेजा ने कहा कि टूर्नामेंट के पहले दो मैचों में भारत को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में घबराहट की कोई भावना नहीं थी। यह कहते हुए दोनों टीमों के खेलने के तरीके में बदलाव ओस के कारण हो रहा था। उन्होंने कहा, ड्रेसिंग रूम में ज्यादा घबराहट नहीं थी, सभी सामान्य थे, क्योंकि टी20 में एक या दो मैच हमारे हिसाब से नहीं होते। यहाँ टॉस जीतना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ओस के कारण पूरा खेल बदल जाता है। स्कॉटलैंड के कप्तान ने भी एक चौंकाने वाला बयान दिया है। हार के बाद स्कॉटलैंड के कप्तान काइल क्वेटर ने कहा, यह हमारे लिए एक कठिन दिन था, हमें हर विभाग में भारत ने पछाड़ दिया, लेकिन हम सुधार जरूर करेंगे। इस तरह के खेलों से गुजरना और इसे लगातार देखना, उन्होंने कहा, बहुत ही खराब है ये बात। उन्होंने आगे कहा कि मार्क उत्कृष्ट रहे हैं, उनके पास कौशल की एक श्रृंखला है, उसे यहाँ अन्य स्पिनर से सीखते हुए देखकर अच्छा लगा, इसीलिए ये टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है। स्कॉटलैंड के कप्तान भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, टीम इंडिया ने हर विभाग में हमें पछाड़ दिया, हमें वापसी करने का कोई मौका ही नहीं दिया। भारत का एक खिलाड़ी पूरी टीम स्कॉटलैंड पर भारी पड़ गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया यहाँ से सेमीफाइनल में जगह बना पाता है या नहीं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएगा।